हाय, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं आप सभी का टीम वॉरियर एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं रितु काड़े छत्तीसगढ़ की टीम वॉरियर एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर की एक टॉप ट्रेनर हूँ। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत ही जल्द आपके पास आने वाली हूँ एक स्किन के प्रोडक्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो आज आपके सामने मैं स्किन के प्रोडक्ट को लेकर आई हूँ जो बहुत ही औसम है, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जी हाँ दोस्तों, ये एटोमी ने लॉन्च किया है। ये साउथ कोरिया का R&D का प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट से आप अपनी सारी प्रकार की प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम सबकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम है। डेफिनेटली हम ये भी कह सकते हैं कि 99% लोगों की स्किन में प्रॉब्लम्स होती है और वो कहीं ना कहीं क्लिनिक जाते हैं अपने स्किन की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। इससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारे जितने भी ब्यूटिशियन महिलाएं हैं, हमारे ब्यूटिशियन हैं, उनके पास जो आजकल फेशियल की मात्रा कम हो जा रही है, उसे भी आप बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहिए। लेकिन हम आगे कुछ बताने के पहले मैं आपसे सिर्फ इतना नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बताती हूँ कि इवनिंग केयर किस तरीके से हमारी स्किन की प्रॉब्लम को हल करता है। इसके पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि जब तक हमारी स्किन का पीएच बैलेंस नहीं होगा, हमारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होगी। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस प्रोडक्ट को लेकर आई हूँ वो प्रोडक्ट हमारे स्किन के पीएच को बैलेंस करता है। इसलिए हमारी स्किन जो है वो बहुत कम समय में हेल्दी एंड ग्लोइंग हो जाती है। तो चलिए, ज्यादा ना समय लेते हुए हम चलते हैं अपने फेशियल की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक ब्यूटिशियन हैं और आपके पास कोई ऐसी स्किन आ रही है जिसको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और आपको उसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है कि मैं इसे किस तरीके से अच्छा रिजल्ट दूं, तो प्लीज बिल्कुल आप मंगवाइए हमारे एटोमी का इवनिंग केयर सेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस इवनिंग केयर सेट को नहीं यूज किया है तो प्लीज इसे यूज कीजिए और इसको देखिए कि किस तरीके से ये अपना रिजल्ट देता है। और ये 1 मंथ में ही इतना अच्छा रिजल्ट देता है कि क्लाइंट आपके पास से कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसे किस तरीके से यूज करते हैं मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी स्किन को पूरी तरह से क्लीन कर लीजिए। आपने मान लो ये फेस है मेरा और मैं इसमें आपको डेमोंस्ट्रेशन दे दे रही हूँ। सबसे पहले आप अपनी स्किन को इस तरीके से क्लियर कर लीजिए। उसके बाद ये थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है दोस्तों और इसे आपने एंटी क्लॉकवाइज करिए। इसे आप 5 से 6 मिनट तक कर सकते हैं। अगर स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा है तो इसे आप और ज्यादा भी कर सकते हैं। आपको इसे 2 टाइम यूज करना है दोस्तों। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा खराब है तो आप इसे 3 टाइम भी यूज कर सकते हैं। बस इसे आपको एंटी क्लॉकवाइज यूज करना है। दिन में 2 बार यूज करना है, सॉरी, दिन में 1 टाइम और नाइट में 1 टाइम, ऐसे 2 टाइम आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे एंटी क्लॉकवाइज करना है। जी हाँ, ये जब तक ये लिक्विड फॉर्म ना हो जाए तब तक इसे यूज करना है। एक्चुअली ये करता क्या है? जी हाँ, ये हमारे ओपन पोर्च ऑन करता है और अंदर से हमारी जो डस्क है, जो गंदगी है, उसे बाहर निकालता है। ये हमारे ओपन पोर्च को इतना क्लियर कर देता है कि इसके बाद जो भी हम क्रीम अप्लाई करेंगे वो क्रीम हमारे डायरेक्ट डर्मिस तक जाती है। जैसे कि मैंने पहले से आपको बताया था कि जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक हमारा कोई भी क्रीम हो, क्लींजर हो, मॉइस्चराइजर हो या सनस्क्रीन हो, कोई भी प्रोडक्ट जब तक हमारे डर्मिस तक नहीं जाता है तब तक हमें जो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से हम इसे 5 मिनट्स कर लेंगे और 5 मिनट्स के बाद हम इसे एक ड्राई टिश्यू से पोंछ देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि मेरे फर्स्ट स्टेप में ही मेरी स्किन कितनी क्लियर हो चुकी है, आप देख रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम अपने सेकंड प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। ये है फोम क्लींजर। जी हाँ दोस्तों, इसे भी आप इवनिंग में, मॉर्निंग में, दोनों 2 टाइम करिए, आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसका भी काम होता है उसी तरह डस्क और गंदगी को बाहर निकालना। जब 2 बार आपकी गंदगी साफ होती है तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जी, इसमें हम वाटर यूज करेंगे, इसे हम एक फोम बना लेंगे, इसे हम एक फोम की तरह यूज करेंगे। देखिए इस तरह, इसका इतना बेस्ट रिजल्ट है ना दोस्तों, अगर आप इसे 1 टाइम भी यूज करोगे ना तो आपको रिजल्ट तुरंत स्टन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मेकअप करके रखा है तो आप पहले डीप क्लींजिंग करिए, उसके बाद फोम क्लींजिंग। आप देखेंगे कि आपका पूरा मेकअप अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगा
एटलीस्ट ये हमारी डैमेज स्किन को भी ठीक करता है, खासकर ये पिंपल्स वाली स्किन जो रहती है ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। इसे भी आपको, अगर आपकी स्किन खराब है तो आप इसे 4 से 5 मिनट भी कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप इसे 3-4 मिनट भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे पहले मैं आप बता देना चाहती हूँ दोस्तों, ये कोई केमिकल युक्त प्रोडक्ट नहीं है, ये पूरी तरह से हर्बल और डॉक्टर के रिसर्च से बनाया गया प्रोडक्ट है। जैसे कि मैंने बताया था ये एक R&D का प्रोडक्ट है। इसका रिजल्ट इतना ऑसम है ना कि आप फर्स्ट टाइम ही ये हमारी फर्स्ट स्किन को रिमूव कर देता है और हमारी स्किन को हेल्दी ग्लोइंग बनाता है। अगर हम इसे महीने में किसी भी डैमेज स्किन को 4 बार देंगे, महीने में 4 बार इसका फेशियल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी स्किन इतनी अच्छी स्मूथ और फेयर हो जाएगी और वो खुद आपको कहेगी। इसके साथ आपको होम प्रोडक्ट भी देना पड़ता है, जिसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम किस तरीके से फेशियल करने के बाद स्किन को देखते हुए कौन कौन सा होम प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसे भी दोस्तों 5 मिनट्स करना है, और 5 मिनट्स के बाद इसे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉज करके इसे हम रिमूव कर देंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन, आपको फर्क दिखाई दे रहा होगा इधर की स्किन और इधर की स्किन में, इधर की क्लियर हो चुकी है। चलते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ। ये है थर्ड स्टेप पीलिंग जेल, इसे भी हमें 10 मिनट तक रखना है अपने फेस पर। इसे कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये थोड़ी सी मात्रा में लीजिए और इसे सिर्फ एक फिंगर के तरीके से, सिर्फ इस तरीके से आप फैला दीजिए। इस तरीके से आपने अपने फेस पे हल्के हाथों से इसे पतली पतली एक लेयर बना दी है। जी हाँ, इस तरीके से। जब हम इस तरीके से इसे लेयर बनाते हैं फेस में, तो हमें 10 मिनट इसको थोड़ा सा स्टे देना पड़ता है। 10 मिनट जब हो जाते हैं तब इसे हमें हल्के हाथों से एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करके निकालना पड़ता है। आप देखेंगे कि जब मैं 10 मिनट के बाद इसे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करके निकालूंगी, तो मेरे हाथों में कुछ थोड़ी सी दरदरी स्किन आ जाती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस पीलिंग जेल का मतलब है ये हमारी एक स्किन रिमूव करती है, पर ये कोई केमिकल नहीं है दोस्तों, ये एक हर्बल से बना हुआ प्रोडक्ट है। इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपकी स्किन कैसे से कैसे भी हो, सेंसिटिव हो, पिंपल्स वाली हो, रिंकल्स हो, फाइन लाइन्स हो, या आपके स्किन में पिगमेंटेशन हो, और आप लोग हिंदी में वांग बोलते हैं वो भी स्किन हो, इसका इतना बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको कि अगर आपने ये फेशियल, जितने भी मेरे ब्यूटिशियन बहने हैं उनसे ये कहना चाहूंगी, अगर आपने इसको अपने खराब से खराब स्किन वाली क्लाइंट को हफ्ते में 1 टाइम दिया, यानी महीने में 4 बार भी दे दिया और एक अच्छा होम प्रोडक्ट दे दिया, तो डेफिनेटली मैं रिजल्ट बताऊंगी आपको कि किस तरीके से मेरे ये इवनिंग केयर सेट को यूज करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मैं वीडियोस में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं कि रिजल्ट कितना ऑसम होता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे इस को 10 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज निकाल ले रही हूँ। जैसे जैसे आप इसको निकालते जाते हैं ना, आप देखेंगे कि आपके स्किन में एक ग्लो आ जाता है और आपकी स्किन इतनी शाइन हो जाती है, और आपके हाथों में कुछ दरदरा दरदरा आ जाता है। मतलब आप, ये हमारी एक स्किन की एक परत को रिमूव करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपने स्किन पे एकदम इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो प्लीज आपने अगर इस इवनिंग केयर सेट को अब तक यूज नहीं किया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप प्लीज इसे यूज कीजिए। ठीक है, इसे भी आप एक ड्राई टिश्यू पेपर से पोंछ दीजिए। हमारे थर्ड स्टेप में ही हमें इतना अच्छा रिजल्ट आ जाता है कि हमारी स्किन एकदम हल्की, सॉफ्ट और ग्लोइंग लगने लगती है। देखिए, जी हाँ। इसके बाद लास्ट है दोस्तों मास्क। जी हाँ, ये है हमारा पीलिंग मास्क। देखिए, ये है हमारा पीलिंग मास्क। इसे भी बस आपको जिस तरीके से आपने ये लगाया है, जिस तरीके से आपने पीलिंग जेल यूज किया है, बस उसी तरीके से आपको इसे अपने फेस पर एक फिंगर से इस तरीके से आपको इसको अप्लाई करनी है, पतली पतली लेयर बनानी है। ये जो देख लीजिए, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, आप इसे
सूखने में से 15 मिनट्स या 25 मिनट्स भी लग सकते हैं। आप इस प्रोडक्ट को 25 मिनट्स तक थोड़ा सा सूखने दीजिए। जैसे ही ये सूख जाता है धीरे से फिर इसकी यहाँ से परत निकलती है और इसे हम ऐसे ऊपर की तरफ फेस को अगर हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो हम इस तरीके से इस मास्क को निकाल सकते हैं। जब तक ये मास्क सूखता है तब तक के मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया है, अगर आपने वो प्रोडक्ट अभी तक यूज नहीं किया है तो प्लीज उस प्रोडक्ट को यूज करिए, क्योंकि जितने जल्दी आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे उतने जल्दी ही आप अपनी स्किन को हेल्दी, स्मूथ और ग्लोइंग बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ये फेशियल को मंथ में 4 बार किया और मॉर्निंग डेली आपने डिप क्लींजिंग और फोम क्लींजिंग यूज किया और नाइट में भी आपने डिप क्लींजिंग फोम क्लींजिंग यूज किया और आप एटोमिका सिर्फ एक सनस्क्रीन भी यूज करेंगे ये फेशियल करने के बाद में, तो आपको ऑसम रिजल्ट दिखेंगे।